This is the video lecture of capacitor and induction motor. Okay, capacitor and induction motor. सबसे पहले इसके बारे में बात करें. There is no any centrifugal switch used in this type of motor. And auxiliary winding. Okay, इसको हम लोग C भी लिख सकते हैं like that. Okay, C is permanently connected in series with the auxiliary winding. Okay. इसको परमानेंट कैपेसिटर मोटर भी बोलते हैं बिकॉज दिस कैपेसिटर इज परमानेंटली कनेक्टेड. ओके, लाइक द सीलिंग फैंस इन रूम्स ऑफिसेस. ओके, दिस वन सीलिंग फैंस इन ऑफिसेस क्लासरूम इटीसी. क्यों? क्योंकि ये क्वार्टर ऑपरेशन है. इसका स्टार्टिंग टॉर्क भी सारे इंडक्शन मोटर के में हम लोग जो भी अभी तक देखे हैं रेसिस्टेंस स्प्लिट फेज कैपेसिटर स्टार्ट. ओके, टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर सारे से कम होता है. इट इज द क्वार्टर ऑपरेशन. ओके, एंड अ स्मूथ ऑपरेशन. ओके, नाउ एट एनी पार्टिकुलर लोड द सी एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग आर सो डिजाइन एज द रिजल्ट इन 90 डिग्री टाइम फेज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन आई ए एंड आई एम. ओके, इन दिस केस जो भी स्टार्टिंग टॉर्क है दैट इज मेनली ड्यू टू द ऑक्सिलरी वाइंडिंग. ओके, सो आई एंड आई एम के बीच में 90 डिग्री लाने के लिए हम लोग इस सी को यूटिलाइज कर रहे हैं. ओके, यहाँ पे मोटर जो ऑपरेट होता है एक्चुअली दिस इज अ बैलेंस्ड टू फेज इंडक्शन मोटर सेम. ओके, वहां पे 90 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट होता है. ओके, जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे. सर्वो मोटर लाइक दैट, उसमें इट हैज इंप्रूव्ड एफिशिएंसी इन बेटर ऑपरेटिंग पावर फैक्टर. ओके, अपर परमानेंट कैपेसिटर का जो वैल्यू होता है दोनों टू वैल्यू कैपेसिटर मोटर में सी एस और सी आर यानी कि स्टार्टिंग कैपेसिटर और रन कैपेसिटर जो यूटिलाइज करो उसके बीच में उसका वैल्यू होता है दैट वैरीज फ्रॉम 2 to 3 माइक्रोफेराड. ओके, दिस इज द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज वेरी सिमिलर टू द थ्री फेज इंडक्शन मोटर. ओके, एंड दिस इज द डायग्राम. आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है. ओके, नाउ हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इस टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर के बारे में बात करेंगे. ओके, थैंक यू.